नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने पराठे तो बहुत खाए होंगे। आज की मेरी रेसिपी है एक नए तरह का पराठा बनाने की। ये पराठा झटपट भी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस सत्तू की रेसिपी, आज हम बनाएंगे सत्तू का पराठा। सबसे पहले पराठे के लिए हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप गेहूं का आटा लिया, इसको छान लिया है। 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है और 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है। तो अब हम एक कोई बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें डाल देंगे हम गेहूं का आटा। बीच में थोड़ी सी हम जगह बना लेंगे इस तरह से। 1 चम्मच हम ऑयल भी डाल देंगे, इससे पराठा एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। साथ में ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसका एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने इसका एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार किया है इस तरह से। अब हम इस आटे को ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब पराठे की स्टफिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ये सत्तू लिया है। ये इजीली रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो आप भुने हुए चने लेके मिक्सी में पीस के और उनको छान लें तो आपका ये चने का सत्तू बन के तैयार हो जाएगा। 1 मैंने प्याज लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 लहसुन की कली ली थी, इनको भी बारीक कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च, इसको बारीक कट कर लिया है। 1 चम्मच लिया है मैंने आम के अचार का मसाला। आम के अचार के मसाले से पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसमें आप थोड़ा आम के अचार का मसाला ज़रूर ऐड करें। इनकेस आपके पास अगर आम का अचार नहीं है तो आपके पास जो भी अचार हो, मिर्च का अचार हो, तो आप उसका मसाला ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दे तो खट्टेपन का टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ। 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है, क्योंकि आम के अचार में भी नमक होता है तो नमक हम हिसाब से ही ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल। अब हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे सत्तू, बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आपको और थोड़ा चटपटा पराठा बनाना है तो हरी मिर्च का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे आम के अचार का मसाला, 1 चम्मच सरसों का तेल, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा मॉइस्चर लाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। हल्का सा हमें मॉइस्चर करना है इसमें, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। ये देखिए, स्टफिंग को हमने इस तरह से कर लिया है। इसमें हमने 2 छोटी चम्मच पानी ऐड किया था, अब ये हमारी स्टफिंग इस तरह से हो गई है। इसमें हल्का सा मॉइस्चर हो गया है, तो ये स्टफिंग रेडी है पराठा बनाने के लिए। तो चलिए अब पराठा बना के तैयार करते हैं। अब हम आटा भी चेक कर लेते हैं। हाथ को थोड़ा सा हम चिकना करते हुए इस आटे को थोड़ा सा हम इस तरह से गूंथते हुए और चिकना कर लेंगे, जिससे कि पराठे हमारे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। आटा जितना अच्छा लगा होगा पराठा उतना ही अच्छा बन के तैयार होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एकदम ये सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार हुआ है। तो हाथ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए अब आपको जिस साइज़ के पराठे बनाने हैं उस साइज़ की इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए, तो इतने आटे में से मैं 4 पराठे यहाँ पर बना के तैयार करूँगी। इनको हम गोल कर लेंगे। यहाँ
यहाँ पर हमने आटे की लोइयाँ भी बना के तैयार कर ली हैं, स्टफिंग भी हमारी रेडी है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने सूखा आटा ले लिया है डस्ट करने के लिए। 3 से 4 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, क्लेरिफाइड बटर। आप इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं, ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लोई ली है इसको थोड़ा सा हम सूखे आटे में इस तरह से डस्ट कर लेंगे और हाथ से इसको इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है बीच में। अब जो हमने ये स्टफिंग तैयार की है इसको एक बार और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग भरूँगी इस तरह से, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे हम इस तरह से उठाते हुए इसे बंद करेंगे और बीच में आप देखेंगे कि अंगूठे से, ये देखिए, इस तरह से अंगूठे से हम इसको दबाते रहेंगे। एक हाथ से हम इसके किनारे इस तरह से उठाते हुए इसे अच्छे से हम सील करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से थोड़ा सा हम इसको सूखे आटे में इस तरह से डस्ट कर लेंगे और पहले हाथ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे जिससे कि जो स्टफिंग है वो अच्छे से हो जाए, सारे में फैल जाएगी तो ये फटेगा नहीं बेलने में। पराठे को थोड़ा हमने इस तरह से हाथ से इसकी स्टफिंग को फैला लिया है। अब हम बेलन की हेल्प से इस तरह से किनारे पर लेते हुए बेलेंगे, बीच में ज़्यादा हमें दबाव नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये देखिए। तो ये पराठा हमारा बनके तैयार है। गैस पे हमने तवा पहले ही गरम करने रख दिया था तो इस पराठे को तवे पे डाल देंगे। हमने पहले से गरम कर लिया है तो इस पराठे को हम तवे पे डाल देंगे और एक साइड इसको हम सिकने देते हैं। पराठा नीचे की साइड हल्का सा सिक गया है तो हम पलट लेंगे, दूसरी साइड भी इसको हल्का सा सेक लेते हैं। पराठा नीचे की साइड भी हल्का सा सिक गया है तो अब हम इसमें घी लगा देंगे। घी लगाते समय ज़्यादा दबाएंगे नहीं, इस तरह से किनारे से दबाएंगे, बीच में ज़्यादा नहीं दबाएंगे, पलट लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम घी लगा देंगे, देखिए इस तरह से। और इसके किनारों को दबाते हुए हम इसको हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठा फूलने लगा है तो इसके किनारे हम इस तरह से दबाते रहेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर लेते हैं और इसको हम हल्का सुनहरा होने तक सेकेंगे, पलटते रहेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पराठा ये सिक गया है, इसकी ये साइड थोड़ी सी रह गई है सिकने के लिए, तो इसको पलट के हम दोबारा सेक लेंगे। तो ये देखिए हमने पराठे को दोनों साइड अलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक सेक लिया है और आप देख सकते हैं कि पराठा दोनों साइड अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इस पराठे को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा सिका है और इसी तरह से बाकी बचे हुए पराठे भी हम सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी ये सत्तू के पराठे बन के तैयार हैं। इतने डो में से ये 4 पराठे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इनको दही के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस और आम के अचार के साथ लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।